अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पेपर 7 मई 2023 को हुआ है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। पेपर के ज़्यादातर सवाल टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करें। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आयशा मलिक हैज़ बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेज होते हैं, लेकिन इनमें से जो फर्स्ट फीमेल जज बनी है वो आयशा मलिक है, और इसने 23 जनवरी 2022 को ओथ लिया था और ये फर्स्ट फीमेल जज हैं। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन, सो सैंड, साल्ट, सोप, सोइल। सो ये जो है चार नाउन्स हैं, इनमें जो काउंटेबल नाउन है वो सोप है, जिसे हम साबुन भी कहते हैं, और सोप को हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया था। बाकी जो सैंड है और जो साल्ट है, सोइल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यूजली इनको अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है। द नेरो स्ट्रिप इन अफगानिस्तान दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान इज कॉल्ड वाखान कॉरिडोर। ये वाखान कॉरिडोर की पिक्चर है और ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है और इसका वाखान कॉरिडोर इसका नाम है। अमेरिकन फोर्सेस एंटर अफगानिस्तान इन विच ईयर, सो इसका करेक्ट आंसर 2001 है। अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे 2001 में, जब 9/11 का अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। सो उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान का रुख किया था। सो 2001 इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज, मंदरजा ज़ैल में से कौन सा कागज़ साइज नहीं है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लैंडस्केप, A4, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3। ये सारे जो है पेपर साइज हैं, लेकिन लैंडस्केप जो है वो पेपर साइज नहीं है, और लैंडस्केप जो है वो ओरिएंटेशन है, और जो दूसरे जो हैं वो पेपर साइज हैं। इराक इन्वेडेड कुवैत इन ऑन विच डेट, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया था। सो इसका करेक्ट आंसर 2 अगस्त 1990 है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। यमन क्राइसिस स्टार्टेड इन विच ईयर, यमन में जो बहरान शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था, ये 2011 के दरमियान शुरू हुआ था, 2011 से लेकर 2012 के दौरान। और ये जो बहरान शुरू हुआ था, ये इनकलाब आया था, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के अब्दुल्ला साले, उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे, तो वहाँ बहरान शुरू हो गया था यमन में। 2011 की ये बात है। आई कॉन्ट फाइंड माई ग्लासेस, वेयर आर दे। सो यहाँ हम वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर आर दे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ही इज़ एज फास्ट एज अ लाइन। सो यहाँ ये जो लाइन यूज़ हुआ है ये जो है सिमिली है फिगर्स ऑफ स्पीच में, और सिमिली वो होता है जो टू थिंग्स को जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों उनको कंपेयर करता है। सो बंदे का जो यहाँ ही का कंपेरिजन हुआ है लाइन से, सो इसीलिए ये जो है इधर सिमिली है। आइडेंटिफाई द न्यूटर जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउन्स, सो ये चार नाउन्स दिए गए हैं, नर्स, मेड, डॉक्टर, ये तो कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वर्ड है ये न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर वो होता है जो ना मेल में शुमार होता है ना फीमेल में, सो इसमें जो कंप्यूटर जो है वो न्यूटर जेंडर है। फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव ऑफ करेज, पाकिस्तान इज नोन फॉर इट्स करेजियस आर्मी। करेजियस इसका करेक्ट आंसर है। सो करेज का जो एडजेक्टिव होगा वो करेजियस होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक, द एक्स डैश मैनेजर हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट। सो यहाँ एक्स और मैनेजर के दरमियान जो हम पंचुएशन का यूज़ करेंगे वो हाइफन है, ये वाला जो हाइफन होता है छोटा सा, इसको हाइफन कहा जाता है। सो हाइफन इसका करेक्ट आंसर है। एक्स मैनेजर, एक्स प्रेजिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सो इनसे इनके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं। Which of the following is an agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security? So FAO, Food and Agriculture Organization जो है United Nations ही, इसका काम ये होता है कि वर्ल्ड में जो
हंगर है, भूख है, जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना इसका काम होता है। FAO की बात करें तो इसे 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में लोकेटेड है और खुराक का जो आलमी दिन है वो भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। द दोहा एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन यूएन एंड यूएस एंड तालिबान। तो ये फरवरी 2020 में हुआ था, जनवरी 2020, मार्च 2020 या अप्रैल 2020, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द एडवर्ब ऑफ टाइम इज, एडवर्ब ऑफ टाइम इनमें से जो है वो टुडे है, डाउन जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अबव भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशंस भी हैं ये, और देयर भी जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इन्जाइम्स आर मेड ऑफ, इन्जाइमर किस से बनते हैं? सो ये प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। वट इज़ यूज इन द सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस में लाइम स्टोन का जो है वो यूज़ किया जाता है, लाइम स्टोन इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था करेक्टरिस्टिक्स का, सो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है CHARACTERISTICS, और इसका मतलब होता है फीचर्स या फिर खसूसियात। मैक एडवर्ब ऑफ हैप्पी, हैप्पी का एडवर्ब जो है वो हैप्पीली है, हैप्पीली इसका करेक्ट आंसर है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय बेरोमीटर, बेरोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। बेरोमीटर ये इसकी पिक्चर है और इसको 1644 में इन्वेंट किया गया था। मूसा कलीमुल्ला में, कलीमुल्ला क्या है? सो मूसा कलीमुल्ला में मूसा, ये जो कलीमुल्ला जो है ये लकब है इनका, सो लकब इसका करेक्ट आंसर है। कलीमुल्ला का मतलब होता है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। वो पिछले साल इंग्लैंड गई, इसमें साल क्या है? तो साल जो है इसमें, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, ऐसा इसम जो वक्त या ज़माने की माना दे उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। सो इसमें ज़र्फ़ ज़मा यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट अनाउंस द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन विच डेट, बरतानवी पार्लियामेंट ने आज़ादी एक्ट का ऐलान कब किया था? सो इन्होंने 18 जुलाई 1947 को किया था, 18 जुलाई 1947। जी व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको PPSC के पास पेपर्स मिल जाएंगे और ये पेपर जो 7 मई को हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसके मज़ीद क्वेश्चंस जो रह गए हैं वीडियो में वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके अलावा फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर का पेपर जो 30 अप्रैल को हुआ था और 2015 के, 2013 के, 2011 के, 2010 के पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको विज़िट करते रहा करें। इसको यहाँ आपको MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।